फ्रेंड्स वेलकम टू माय वीडियो। ये वीडियो आपकी साइंस की है जो साइंस स्कूल के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 200 के अराउंड मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन डाले हैं। ध्यान से सुनिए इसको, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फ्रेंड्स जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएंगे पढ़ पाएंगे और इजिली पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको करना क्या है, जो ये सीरीज़ है मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस की, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको करने बैठो। करने के बाद मैं जो इसके आंसर है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर सारे ए टू जेड साइंस के आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप उसको कम्प्लीटली टेस्ट करके और यहाँ से मैच करिए कि आपके कितने ठीक है कितने गलत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को। हमारे जो साइंस के हमारे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 200 के अराउंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन, इसका आंसर है ए एसीटोन। द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू, इसका आंसर है बी सरफेस टेंशन। क्वेश्चन थर्ड, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड इसका आंसर है आपका सी स्पीड। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन कॉल्ड। फोर्थ का आंसर आपका सी गैलोनाइजेशन। द टाइड इन द ओशन आर ड्यू टू, फिफ्थ इसका आंसर है आपका बी ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून। सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फ्रिज फूड। सिक्स्थ का आंसर है आपका डी नाइट्रोजन। यस, द एंजाइम विच डाइजेस्ट द प्रोटीन इज, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने काम आता है। सेवन, इसका आंसर है आपका बी पेप्सिन। अपर पार्ट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन एट, इसका आंसर है ए प्लैंकटन। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिसीजेज इन मैन अराइजिंग आउट ऑफ विटामिन बी डिफिशियंसी। नाइन्थ का आंसर है आपका बी बेरीबेरी। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज। टेंथ का आंसर है आपका ए पोमोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज ईजिली विजिबल ओनली ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स। इलेवंथ का आंसर है आपका डी कॉर्निया। जो पार्ट है सन को इजिली विजिबल कर सकते हैं ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स के अंदर, कॉर्निया। ओके, ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ए मेटल, कौन सा एलिमेंट है जो मेटल है। ट्वेल्थ का आंसर है डी जी ए। थर्टीन, आर यू गो डाउन इन टू द वेल योर वेट। थर्टीन इसका आंसर है आपका डी डिक्रीज स्लाइटली। फोर्टीन क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फिनोमिया एट वेरी टेम्परेचर इज कॉल्ड। फोर्टीन का आंसर है आपका डी क्राइगोजेनेसिस। ठीक है, द टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। फिफ्टीन इसका आंसर है आपका सी सैटर्न। सिक्सटीन का आंसर है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन सी प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स। यस, सेवनटीन, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप सेवरल केमिकल एलिमेंट, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शनल इन द बॉडी इज कॉल्ड। 17 का आंसर है सी ऑक्सीजन। द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, 18 का आंसर है डी गोल्ड। अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड द, 19 इसका आंसर है डायनामाइट। विच सेटेलाइट फाइबर इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। 20 इसका आंसर है आपका बी रेमन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ लर्निंग थिंकिंग एंड रीजनिंग। 21 इसका आंसर है आपका सेरिब्रम ए। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। 22 इसका आंसर है आपका ग्लाइकोजन। द कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज। 23 इसका आंसर है आपका इट कंटेन कैरोटीन। 24 द सोलर एक्लिप्स ओकर वेन। 24 का आंसर है ए मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। 25 का आपका आंसर होगा 25 क्वेश्चन, ये आपका 25 क्वेश्चन है, थोड़ा कटा हुआ है देख लेना फ्रेंड्स, मैं बताने जा रहा हूँ। द रिएक्शन विच कन्वर्ट शुगर सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल इज द एग्जांपल ऑफ सी शुगर सॉल्यूशन से जो अल्कोहल मिलता है, इसका आंसर है फर्मेंटेशन। द स्पीड ऑफ आपका क्वेश्चन होगा 26 क्वेश्चन क्या है आपका, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज द वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी क्या होगी, 26 का क्वेश्चन है सी डिक्रीज। 27 क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के फादर किसे कहा जाता है, उनका आंसर क्या है बी इक्लिड। वन व्हाट ऑल इज इक्विवेलेंट टू। 28 का आंसर है 3.6 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 3 जूल। 29 का आंसर सी फ्लोरीन होगा, मैं इसको बोल देता हूँ आपको आंसर को।
एंड 30 का आंसर फोजिल्स होगा, 31 का ओशन डेप्थ, 32 का रेडिएशन, 33 का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, 34 का बी हाँ ट्रांसपिरेशन, ठीक है हाँ ट्रांसपिरेशन, 35 का डी वॉक्यूम एंड 36 का सी डिस्टेंस, 37 का आपका आंसर है ए। 38th क्वेश्चन, which one of the following is an acute infection of small intestine caused by a bacterium? इसका आंसर है ए है कॉर्लिया। Which of the following SI unit is not correctly matched? 39 का आंसर क्या है जो करेक्टली मैच नहीं करती? इसका आंसर है आपका डी प्रेशर डाइन। प्रेशर डाइन का भी होती है प्रेशर की यूनिट है पास्कल। बी मास की यूनिट किलोग्राम है, वर्क की जूल है, फोर्स की यूनिट है ना, ओके राइट। 40 का क्वेश्चन, द एन एयर बबल इज वाटर विल एक्ट एज, 40 का आंसर है आपका सी कनकेव लेंस। यस, जो एयर के अंदर बबल होता है वाटर विल एक्ट एज कनकेव लेंस, जो एयर के अंदर बबल्स होते हैं वाटर में तो कनकेव लेंस जैसे होते हैं, एक्ट जैसे बिहेव करते हैं। द DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, 41 का आंसर है आपका सी हैदराबाद। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज इन्वेंटेड बाई थॉमस एल्वा एडिसन, 42 का आंसर है आपका ऑल ऑफ एबव, इनकैंडेसेंट लैम्प, फोनोग्राफ, माइक्रोफोन, कार्बन टेलीफोन, ट्रांसमीटर, ऑल ऑफ द एबव। 43 विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड टू आर द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी, एज चैनल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड टू वार्ड द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर क्या है 43 का आंसर है आपका डी आर्टरीज। 43 का आंसर क्या आपका विच अमंग द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड, सभी को पता वाइट गोल्ड किसको कहते हैं, सी प्लैटिनम। यस सॉरी प्लैटिनम को नहीं कहते वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड बोलते हैं हम, रोडियम बी, इसका आंसर क्या है बी रोडियम। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब विच वन ऑफ द फ्लोइंग वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, 45 का आंसर है सी रेड एंड ब्लू। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, 46 का आंसर है आपका ऑरेंज बी। हन इज मोस्ट कंपोज ऑफ विच शुगर, 47 का आपका आंसर है सी ग्लूकोज। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी, 48 का आंसर है आपका फ्यूमर। 0 degree इक्वल टू डिग्री फरनाइट, 49 का आंसर आपका 32 बी आंसर है। 50 क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज कॉमनली नेम ऑफ, 50 क्वेश्चन का आंसर है डी कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, सिंथेटिक, द फर्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेटिक फाइबर डेट अपीयर टू रिसेंबल वूलिस, फर्स्ट का आंसर है बी एग्राइल। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोमिनेंट कंस्टेलेशन लुकिंग लाइक ए डिस्टोर फॉर्म ऑफ द लेटर एम एंड डब्ल्यू इज द, एम एंड डब्ल्यू बनते हैं हमारे कॉन्स्टेंटेशन, सेकेंड का आंसर है हमारा सी कैसे ओपी साहब। प्लास्टिक विच कैन नॉट रिमाउंडेड अगेन बाई सिंपल हीटिंग इज, थर्ड का आंसर है हमारा डी। फोर्थ का, सेल्यूलोज इज मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ डैश यूनिट, फोर्थ का आंसर आपका सी ग्लूकोज। रिलेशनशिप बिटवीन ए बायोटिक कम्युनिटी एंड अबायोटिक एनवायरमेंट इज कॉल्ड, फिफ्थ का आंसर है आपका सी साइम्बोसिस। पैराशूट फाइबर इज मेड ऑफ, सिक्स का आंसर आपका ए नाइलोन। द बेस्ट मेलेबल मेटल इज, सेवन्थ का आंसर है डी रायन। द बेस्ट मेलेबल मेटल इज, मेलेबल मेटल कौन सी है आपकी डी गोल्ड। पीट कोट कंटेन डैश कार्बन, एट का आंसर आपका सी लेस देन 60%। वर्ल्ड वाटर इज ऑब्जर्व ऑन नाइन्थ का आंसर है आपका डी 22 मार्च। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर ए क्लीन फ्यूल, 10th का आंसर है आपका डी हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डेल्यूट HCl, 11th का आंसर आपका डी कॉपर। सोल्यूशन 12th क्वेश्चन है आपका, सोल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, 12th का आंसर है आपका ए सल्फर डाइऑक्साइड। द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग किचन कंटेनर इज, 13th का आंसर है आपका सी टेफ्लॉन। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, 14 का आंसर है आपका डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, 15 का आंसर है आपका सी। द फिनोमिना ऑफ मारलेबल कैंसर इज ड्यू टू, 16 का आंसर है आपका डी एसिड रेन। यूकेलिप्टस इज एन डैश स्पीशीज, 17 का आंसर है आपका बी एक्सोटिक। द एग्जिस्टेंस ऑफ द डाइवर्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द रीजन इज कॉल्ड, 18 का आंसर है आपका डी बायोडाइवर्सिटी। द एसिड यूनिट ऑफ प्रेशर इज, 19 का आंसर है आपका सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइक चार्ज डैश ईच अदर, 20 का आंसर है आपका ए रेपल। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय
इसका आंसर है आपका 21 का सी. द फोर्स एग्जर्ट बाय द चेंज बॉडी एंड अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज 22. 22 का आंसर है ए. द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डैश टाइम 23 सी 100,000 टू 500,000. बहुत काफ़ी अच्छी मैग्नीफाई पावर होती है. बिटुमेन इज यूज टू मेकिंग 24 का आंसर है हमारा डी रोड सरफेस. द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 25 का आंसर है हमारा बी. फ्रेंड्स मैं इस मिसलेनियस क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, आप मैच कर लेना. बाकी आपको पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेना. फर्स्ट का आंसर है आपका डी, सेकंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है सी, फिफ्थ का आंसर है डी, सिक्स्थ का आंसर है सी, सेवन्थ का आंसर है डी, एट्थ का आंसर है बी, नाइन्थ का आंसर है सी, टेंथ का डी, इलेवेंथ डी, ट्वेल्थ बी, थर्टीन्थ ए, फोर्टीन्थ सी, फिफ्टीन डी, सिक्सटीन डी, सेवनटीन डी, एटीन सी, नाइनटीन डी, ट्वेंटी सी, ट्वेंटी वन बी, ट्वेंटी टू ए, ट्वेंटी थ्री बी, ट्वेंटी फोर सी, ट्वेंटी फाइव डी, ट्वेंटी सिक्स डी, ट्वेंटी सेवन सी, 28A, 29A, 30C, 31D, 32B, 33B, 34C, 35A, 36C, 37A, 38B, 39C, 40B, 41A, 42BA, 43B, 44B, 45C, 46A, 47B, 48C, 49A, 50A, 51D, 52A, 53B, 54B, 55A, 56B, 57A, 58A, 59A, 60A, 61B, 62B, 63D, 64C, 65B, 66B, 67C, 68A, 69B, 70C, 71A, 72C, 73D, 74B, 75A, 76D, 77C, 78B, 79B, 80B, 81B, 82A, 83C, 84C, 85B, 86D, 87A, 88D, 89B, 90C, 91A, 92A, 93A, 94B, 95D, 96C, 97A, 98D, 99A, 100B. थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए. प्लीज़ जो मैंने सीरीज दी है इसको आपको खुद से सोल्व करना है, और जो मैंने लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन की जो आपको आंसर दिए हैं उससे मैच करके देखने कि आपके कितने सही है, और इससे अपनी प्रैक्टिस अपनी हार्ड करो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू फ्रेंड्स.